मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम कर रहे हैं सर्वनाम का, इसकी जो भेद रह गए थे वो हम करने जा रहे हैं। सर्वनाम के भेद सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे मैं, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, वह, वे या उनका, इस प्रकार के जो ये शब्द हैं इनका प्रयोग होता है। इनके अंदर एक तो होता है बोलने वाला, स्पीकर, ठीक है, और उसके जो हमारे सामने होता है वो होता है लिसनर, सेकंड पर्सन। जैसा हमने इंग्लिश में किया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हिंदी में भी इसी प्रकार है ये, ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या है इसके अंदर? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तुम सुन रहे हो तो ये क्या है? तुम क्या है यहाँ पर? ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है लेकिन यह मध्यम पुरुष है। और वह, इनके थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें, वह, वे सब, इस प्रकार हम थर्ड पर्सन यानी के प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का हमें पता चलता है तो वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, यही, वही, इस प्रकार जो शब्द होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वह वस्तु निश्चित है। जैसे यह मेरा चौक है, तो यह शब्द जो है, यानी कि मैं इसकी तरफ करके कह रहा हूं कि यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे यही वो बोर्ड है जिस पर मैं लिखता हूं, ठीक है। वही आप भी हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार यह, यही, वही, ये कौन से शब्द हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, ठीक है। इनसे हमें चलता है कि कोई चीज निश्चित है, ठीक है। इसी प्रकार जो इसका थर्ड भाग है कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का पता न चले, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या था? उन्हें हम वस्तुओं के निश्चित होने का पता चलता है, और अनिश्चित में उनके निश्चित होने का पता नहीं चलता। जैसे कुछ, कोई, कभी, कहीं या किसी, ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चितता नहीं होती, उनका पता नहीं चलता। जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए, अब रुपए तो मांग रहे हैं लेकिन वो निश्चित नहीं, यानी कितने चाहिए, मुझे कुछ रुपए चाहिए। जैसे बाहर कोई आया है, यानी कि बाहर आया तो है, कोई व्यक्ति तो है लेकिन उसका पता नहीं है कि वह कौन है। कभी कभी हमारे घर आओ, कि आना तो है लेकिन कभी कभी वो दिन फिक्स नहीं है। जैसे कहीं, मुझे कहीं जाना है, पता नहीं है कहाँ जाना है। और किसी, यानी कि मैंने किसी से कुछ पूछा, तो इस प्रकार इसमें कुछ निश्चित नहीं होता, इन सब से हमें पता लग जाता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनाम से हमें यह पता चले कि वो प्रश्न पूछ रहा है। जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, किसका, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनसे अगर वाक्य में ये कहीं आते हैं तो उसमें हम प्रश्न पूछा जाता है इनको, वाक्यों को, इन शब्दों को लगाकर, ठीक है। तो अगर कहीं भी आपको ये शब्द दिखाई देते हैं तो निश्चित ही वो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। जैसे वह क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा है, और इनके बाद हमेशा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे निजवाचक और संबंधवाचक, दो हमारे रह गए हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, इनके जो शब्द अपने लिए, जो सर्वनाम शब्द खुद के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो कौन से शब्द हैं? जैसे स्वयं, खुद और अपने आप। जैसे मैं अपने आप अपना काम कर लूंगा, या मैं यह काम खुद कर लूंगा,
या यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। तो यानी कि जो सर्वनाम शब्द अपने लिए यूज किए जाते हैं, अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर है? अंतिम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक यानी कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाउन और प्रोनाउन का संबंध क्रिया यानी कि वर्ब या ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के साथ जोड़ने वाले सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे जो, सो। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे जैसा वैसा। जिसने जिसने लाल शर्ट पहनी है वह मेरा मित्र है। जहां वहां, जो वो। इस प्रकार के जो ये शब्द हैं ये हमें संज्ञा और सर्वनाम के बीच में शब्द यानी कि क्रिया और कर्म के बीच में संबंधों को बताती है। ठीक है, तो ये है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम का जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म होता है। इसके छः भेद थे, छः भेद हमने कर लिए हैं। तो आपके सामने कल होंगे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।